हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी स्मार्टली। फ्रेंड्स, मैं आज आपको डेटा हैंडलिंग के कोड बताऊंगा। इसमें है क्या, हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें बस डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, तो इसमें ये मैं बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए पाइथन ओपन करते हैं। ये ओपन हो गई पाइथन। फिर हम इसी पे करेंगे डेटा हैंडलिंग। तो चलिए हम पहले लेते हैं a इक्वल 5 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम प्रिंट निकालते हैं, मतलब इसका आंसर क्या आएगा। तो लिखते हैं प्रिंट a। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा माइनस 2। नेक्स्ट लेते हैं बी लेते हैं, बी इक्वल 3 टू, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है 3 ये कोई नंबर है और ये दो बार मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब ये उसका पावर है, मतलब 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, क्योंकि यहाँ पे फिर से दो मल्टीप्लाई और 3 है, मतलब ये है 3 का पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखिए इसका आंसर ये है, ठीक है। इसका मतलब यही है, ये 3 है और 3 का पावर 2 है, इसीलिए यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई का साइन लिया और ये जितना भी आया वैल्यू उसे भी 3 से और पावर कर दिया। जैसे हम ऐसे माइंड ऐसे कैलकुलेशन करते हैं माइंड से, तो ऐसा आएगा 3 की पावर 2 मींस 9 और 9 की पावर 3, तब ये उसकी वैल्यू 6561 आएगी, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं, करते हैं और है। ए की वैल्यू लेते हैं हम 12, बी की वैल्यू लेते हैं, पहले वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे 7.4 लेते हैं, और सी की वैल्यू लेते हैं 1 और लिखते हैं प्रिंट। अब हमें निकालना है ए माइनस इक्वल बी, ठीक है। अभी आप देखिए, फिर आपको अभी रिजल्ट मिल जाएगा सामने। ये अब देखते हैं अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए माइनस है फिर इक्वल बी आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। चलिए पहले ये लिख लेते हैं ए माइनस इक्वल बी, ठीक है। फिर लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट ए कॉमा बी। जब आप करोगे खुद तब आपको ऐसे आइडिया आता जाएगा और आप माइंड में ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे। तो देखिए उसका आंसर आया 4.6, 7.4 आया बी की वैल्यू। अब ये आया कैसे, ये देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे इक्वल था, ये तो एरर दिखाया, ये बी की वैल्यू इक्वल में था तो ये बी की वैल्यू डायरेक्ट यहीं से पुट कर दिया 7.4, ठीक है। ये देखिए 7.4 और ए माइनस, ए माइनस मीन्स ये माइनस कर दिया 12 माइनस 7.4, तो इसकी वैल्यू आई 4.6, ठीक है।
और ट्राई करते हैं ए मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस सी। प्रिंट ए, यहाँ पे देखिए पहले ए मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई है इक्वल टू प्लस सी, देखिए 13.8 आया कैसे, ये देखिए यहाँ पे टू प्लस सी, टू प्लस सी मतलब सी की वैल्यू हमें 1 दे रखी है और प्लस 2 करनी है, तो ये क्या आया 3 आया, 2 प्लस 1 3, ठीक है। और 13.8 आया कैसे, हमने ए को मल्टीप्लाई किया, ए को हमने मल्टीप्लाई, ये जो साइन होती है यहाँ पे स्टार, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं बी प्लस इक्वल ए मल्टीप्लाई सी, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिर लिखते हैं प्रिंट, ये प्रिंट ये फंक्शन होती है, मतलब आपको हर बार लिखना पड़ेगा, ये देखिए 21.2 ला दिया इसका आंसर, ठीक है 21.2। अब ये आया कैसे वो बताता हूँ, पहले था बी प्लस में था तो इसे हम साइड में रखते, पहले ए मल्टीप्लाई सी को देखते हैं, तो 12 इंटू 1 क्या होता है 12 ही होगा। अब ए प्लस कर दो उसमें, जब बी की वैल्यू है यहाँ पे आप उसे प्लस कर दो तो फिर ये आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये तो सारे कोडिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन कैसे हुआ ये हमें अपने माइंड से सोचना पड़ेगा, तभी हमें उसका आंसर मिलेगा कि ये कैसे आया। और नेक्स्ट चलते हैं एक्स कॉमा वाई इक्वल 4.8, ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर जेड कोई नंबर लिया, मतलब लिया वैल्यू जेड इक्वल एक्स को हम डिवाइड करेंगे वाई से, और वाई की पावर भी होनी चाहिए वाई का, मतलब अभी बताता हूँ। प्रिंट एक मिनट, ये प्रिंट जेड, ये देखिए इसका आंसर 0 आया। 0 कैसे आया, एक्स एक्स की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, एक्स की वैल्यू हमें 4 दे रखा है, यहाँ पे देखिए 4, एक्स की वैल्यू 4 दे रखा है, और 4 अपॉन y इंटू y मतलब 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 4 अपॉन 64 को डिवाइड करोगे तो ये जो है ये पूरी डेसिमल में आएगा, 0. कुछ करके आएगा, 0.43 ऐसा कुछ आएगा, मतलब बड़ा आएगा ये नहीं आएगा, तो ये क्या है डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो लेता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर यहाँ पे 0 मिला, क्योंकि पाइथन में यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू ये काउंट नहीं करता, ठीक है। तो ये थी हमारी डेटा हैंडलिंग के कोडिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।